देखिए इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, जहां पर अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। कोर्ट ने फिलहाल इस जांच को कराने की मंजूरी नहीं दी है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दे दी जाए कृपया। ज्ञानव्यापी मामले में बड़ा फैसला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त कोर्ट से यह फैसला निकलकर सामने आया, जहां पर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोर्ट ने अब इस पर कह दिया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, और इसी को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उस फैसले का जिसका सबको इंतजार था, आखिरकार फैसला आ चुका है और कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी कि मस्जिद में जो शिवलिंग मिलने का दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, इस पे वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और कहा गया, कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। कुणाल, आपके पास आऊंगी, कोर्ट का फैसला आ गया, झटका लगा है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदू पक्ष की तरफ से वादी के तौर पर इस वक्त वाराणसी जिला कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। हमने देखा था कि करीब इतनी ज्यादा भीड़ थी, मुश्किल से जो कोर्ट परिसर है उसमें 15 से 18 लोगों की जगह थी, लेकिन मजबूरी में सब ठूस ठूस के 58 से 59 लोग भरे हुए थे। इसमें वो चार महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर याचिका सबमिट की थी, जिसमें सुमन भी है, कुसुम भी है, जिसमें स्नेहा भी है, तमाम महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन और उन्हें उम्मीद लग रही थी कि कार्बन डेटिंग को लेकर जो कोर्ट का फैसला है वो हिंदू के पक्ष में आएगा, लेकिन यहां पर हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कार्बन डेटिंग वो जरिया माना जा रहा था जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा था कि ज्ञानव्यापी के जिस विवादास्पद स्थल में फुव्वारा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो फुव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई वो शिवलिंग है, लिहाजा उसे शिवलिंग नुमा आकृति की संज्ञा दी गई थी, और कहा जा रहा था कि इसकी वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लेकिन भाई अब आगे क्या